अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपके पास? क्वेश्चन नंबर 18, उसमें आपने क्या कह रहे हैं? एन एयरक्राफ्ट ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर्स पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल फ्लाइट। द डायग्राम शोज द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एयरक्राफ्ट। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में आप देखो ड्रैग है और यहाँ पर क्या है, थ्रस्ट है, ठीक है। तो द मास ऑफ द एयरक्राफ्ट इज 2000 किलोग्राम, व्हाट इज द पावर प्रोड्यूस बाय द थ्रस्ट फोर्स? इस फोर्स से क्या आपके पास पावर प्रोड्यूस हो रही है? अच्छा, ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, यहाँ पर की पॉइंट ये कांस्टेंट वेलोसिटी कहना है इनका। ये कांस्टेंट वेलोसिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे कंसिडर करेंगे कि इन्होंने कहा कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसमें सबसे पहली बात ये हो गई कि आपके पास ड्रैग फोर्स जो है वो आपके बराबर है किसके, थ्रस्ट फोर्स के। यानी कि थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर, थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू 2400 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा, क्यों कहा कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से एक और चीज आप यहाँ यूज कर सकते हो, जो पावर का फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू एफ इन टू वी, ठीक है। अब आपके पास क्या है, फोर्स यहाँ पे 2400 है, वी आपको गिवन है विच इज व्हाट, 90 मीटर्स पर सेकेंड। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आता है 2160 वॉट, ठीक है। आप इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, बी 2.2 एक्सपोनेंट 5 वॉट,